हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शर्मा और आपने क्लिक किया है चैनल फिजिक्स एलिवेटर। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कि हम निकालेंगे मैक्सिमम स्प्रिंग एक्सटेंशन। और आपको मालूम है, मैंने अपने पहले अपलोड किए हुए वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था ग्राउंड फ्रेम में। आज हम इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये सिचुएशन हमें ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है जिसमें कि ब्लॉक हमारा ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है जिसमें कि ये ब्लॉक 2V0 से जा रहा है जो कि 2m मास वाला है, ये ब्लॉक हमारा m मास वाला है जो कि V0 से लेफ्ट वार्ड चल रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मैं इसकी पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए VCM फार्मूला मैं यूज़ करूंगा। पहला ऑब्जेक्ट ये है, इसकी वेलोसिटी ये है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ली जा रही है। तो यहाँ लिखूंगा 2m × 2V0 माइनस, ये वेलोसिटी लेफ्ट वार्ड है तो माइनस में ले लूँगा mV0। और इन दोनों मासों का जो टोटल आएगा वो आएगा 2m + m। इट मीन्स दिस वेलोसिटी बिकम्स, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वेलोसिटी निकलेगी हमारे पास V0। अब हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल जिसका कि नाम पहला पार्टिकल मान लीजिए ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, अब मैं इनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में देखूंगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगी। फिर मैं सेंटर ऑफ मास के हिसाब से इस डायग्राम को ट्रेस करूंगा कि ये हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें तो क्या दिखाई देगा। तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करूँगा, वेलोसिटी ऑफ ए इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड से हमको सेंटर ऑफ मास किया दिखता है, तो ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ वी नॉट हमें निकाल चुके हैं। तो वी ए के लिए वैल्यू सॉल्व करिए, वी ए देखिए 2V0, ये वेलोसिटी मुझे ग्राउंड फ्रेम से दिख रही है, माइनस V0, यानी ए ब्लॉक मुझे सेंटर ऑफ मास से अगर देखूंगा तो V0 से जाता हुआ महसूस होगा। और इस डायरेक्शन को अगर हम आई कैप माने या एक्स की तरफ माने तो मैं इंडिकेटर यहाँ आई कैप लगा सकता हूँ। इसी तरह से आप वी वी की बात कर लें, वेलोसिटी ऑफ वी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट कैन बी वेलोसिटी ऑफ ए इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये क्या आएगा, देखिए ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये इस डायरेक्शन में है तो इसको मैं माइनस वी नॉट लिखूंगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस आएगा और वी नॉट। सो दिस वेलोसिटी बिकम्स 2V0 नेगेटिव आएगा आई कैप, ये बी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो जाएगी। तो ये जो इनिशियल डायग्राम है इसको मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे ट्रेस करूंगा, मैं ब्लॉक सेंटर ऑफ मास के लिए बना रहा हूँ, यानी सिस्टम को ऐसे देख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम को, सेंटर ऑफ मास VCM, ये हो रहा है हमारा V0। तो डायग्राम ऐसे बना लीजिए, एक्सटेंशन देखिए होता रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है ये डिक्रीज होने के बाद में। तो देखिए पहले क्या होगा, ये इधर जाता रहेगा, ये इधर जाएगा, बाद में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में, फिर दोनों ऑल टुगेदर सेम स्पीड से चलेंगे। लेकिन मैं अभी इनिशियल निकाल रहा हूँ, तो इनिशियली जो हमें दिखाई देगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज लाइक दिस। तो ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा इधर V0 से, और ये वाला इधर दिखेगा आपको लेफ्ट वार्ड 2V0 से, ये मेरा CM फ्रेम है। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो दोनों ब्लॉकों की स्पीड क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, बोथ द ब्लॉक
वुड हैव सेम स्पीड। सेम स्पीड रादर वेलोसिटी, यानी दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी। तो मेरा अगला डायग्राम होगा, जिसमें कि दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, और ये सेम स्पीड ग्राउंड फ्रेम में होगी। लेकिन क्योंकि स्पीड सेम होगी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, वही स्पीड दोनों ब्लॉकों की होगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ए या बी की दोनों की स्पीड क्या दिखाई देगी हमको? दोनों की वेलोसिटी जीरो दिखाई देगी, क्योंकि अभी तीनों पॉइंट सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, तो उनकी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। सेंटर ऑफ मास या मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, तो जो वी सी एम है वही हमारा सेम वेलोसिटी से ये चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारी जीरो हो जाती है, क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास से चल रहे हैं, और सिस्टम पूरा ऑल टुगेदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी वी नॉट से चल रहा होता है। ये जो हमने बनाया है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, और ये सिचुएशन मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली है। मैक्सिमम एक्सटेंशन, अब हम मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे? हम फॉर्मूला काम में लेंगे, देखिए, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हम इनको सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हम इसको कि हम रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से हम इसमें काम करेंगे। हम यानी इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मान लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। टू पार्टिकल सिस्टम इज नाउ कन्वर्टेड टू सिंगल पार्टिकल सिस्टम, सो देयर फोर फॉर्मूला हम लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे हम। वर्क एनर्जी थ्योरम वुड बी अप्लाइड हेयर। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं अप्लाई करूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मीन्स ये जो ज्वाइंट सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम, उसकी हम बात करेंगे। तो जस्ट आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये होगा मेरा नेगेटिव के एक्स मैक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग को एक्सटेंशन करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, इसलिए नेगेटिव बोलेंगे। और यहाँ आप लिखेंगे डेल्टा के, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। और देखिए, के इनिशियल हमारे पास कुछ वैल्यू थी, और के फाइनल तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं, तो के फाइनल जीरो हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी जीरो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की फाइनल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ आएगा जीरो माइनस, यहाँ आपका आएगा हाफ ऑफ म्यू, यानी इनका रिड्यूस मास सिस्टम, और यहाँ आएगा हमारा वी रिलेटिव रिलेटिव स्क्वायर। ये इक्वेशन में यूज करनी होगी, देयर फोर माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए आएगा माइनस हाफ, म्यू का मीनिंग होगा रिड्यूस मास, और मास आप लगा सकते हैं, यहाँ 2m वाला है, ये m वाला है। रिड्यूस मास कैन बी कैलकुलेटेड, दैट वुड बी आपका 2m इंटू m डिवाइड बाई एम प्लस 2m, तो ये हो जाएगा अपना 3m इंटू वी रिलेटिव। वी रिलेटिव जो इनिशियल स्टेट थी उसमें हमको वी रिलेटिव देखना होगा। तो वी रिलेटिव आप देखिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का फर्स्ट डायग्राम आपको याद होगा, उसमें हमारा जो ए और बी की वैल्यू आई थी, मैं जस्ट आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ये वैल्यूज हमारे पास आए हैं। जो एक ए का वैल्यू आया था वी नॉट, और वी बी का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी आई है माइनस का 2v0। सो यहाँ आप लिखेंगे वी नॉट माइनस, फॉर्मूले का माइनस आएगा, माइनस यहाँ आएगा
माइनस टू वी नॉट, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही देखा गया है, माइनस हाफ ऑफ, देखिए ट्वाइस ऑफ, ये आ रहा है अपना टू एम बाई थ्री, और यहाँ देखिए वी, ये अल्टीमेटली थ्री वी नॉट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका नाइन वी नॉट स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप हाफ के मैक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस हाफ हाफ कट जाएगा, और सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका थ्री थ्री, देयर फोर यू विल फाइंड इधर होगा थ्री, थ्री टू या सिक्स एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से इतना ही वैल्यू आएगा, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है एक्स मैक्स के लिए, तो एक्स मैक्स हो जाएगा हमारा वी नॉट अंडर द रूट सिक्स एम ओवर के। तो आप देखिए ये वही रिजल्ट है जो हमने ने पहले वाले वीडियो में बनाया था, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो कि ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट किया था, यहाँ हमने इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैलकुलेट किया है। सो आई थिंक फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हम प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें या सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करें, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है। तो आप ये दोनों अप्रोच सीख गए होंगे। मेरे चैनल फिजिक्स एलिवेटर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए, शेयर करिए जिससे कि इसका अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए, और आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।